हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे कोपा का चैप्टर 9, जिसका नाम है इंटरनेट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, ये वाला जो चैप्टर है कोपा का, वो सबसे सिंपल है, सबसे इजी है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो नए व्यूवर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, पहला जो यहाँ पे टॉपिक आता है, इंट्रोडक्शन टू WWW। अब WWW क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पे द वर्ल्ड वाइड वेब क्या है कि द वेब इज अ कलेक्शन ऑफ ब्राउजर्स, सर्वर्स, फाइल्स, ब्राउजर एक्सेसिबल सर्विसेज अवेलेबल थ्रू इंटरनेट। तो जो हमारा वेब है, यानी कि WWW है, वो क्या है, इंटरनेट के थ्रू हमें सारी के सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, इसके कई कंपोनेंट्स होते हैं, कि जैसे कि हमारा वेब ब्राउजर हो गया, वेब सर्वर हो गया और वेब प्रोटोकॉल हो गया। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, वेब ब्राउजर्स जो होते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि हमारा क्रोम हो गया या गूगल हो गया, या और भी कोई अगर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम कोई फैसिलिटी ले रहे हैं, तो वो हमारे वेब सर्वर्स, वेब ब्राउजर्स हो जाते हैं। अब वेब ब्राउजर्स जो दोस्तों, वो जो हम भी सामान कुछ मंगाते हैं, जैसे हमने कुछ सर्च किया, तो वो क्या करता है, वो आपके प्रोटोकॉल के थ्रू ही उन सामान को ढूंढ के या उन चीज़ों को ढूंढ के आपके पास लाता है। और वो कहाँ से लाता है, आपके वेब सर्वर से, जहाँ पे सारी के सारी चीज़ें स्टोर रहती है। तो वेब सर्वर क्या करता है, सर्व करने का काम करता है, यानी आपको सामान देता है। अब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं दोस्तों, TCP/IP या फिर HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या TCP आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या IP हो गया आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इनके थ्रू जो दोस्तों, वो सामान को ढूंढता है और आपके सामने वो सारी के सारी चीज़ें शो कर देता है। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं आपके वेब के। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, कि WWW के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। तो एप्लीकेशन दोस्तों, ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि ईमेल सर्विसेज हो गया, चैटिंग हो गया, हम किसी से भी चैट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट सर्विस, इंटरटेनमेंट के लिए हमें गेम्स, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, मूवीज़, तो ये सारी के सारी सुविधाएं भी हमें प्रोवाइड करवाता है। एजुकेशनल टूल्स दोस्तों, आजकल तो समझो सारा का सारा जितने भी हमारे एजुकेशनल टूल्स है, वो सारे के सारे मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है ई कॉमर्स, अगर दोस्तों हम कुछ खरीदना चाहें या बेचना चाहें, तो वो भी सारे के सारे हम ऑनलाइन या WWW के गूगल्स या क्रोम के सहायता से कर सकते हैं। और अदर ई सर्विसेज, यानी बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, वो सारी के सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, वो आपका इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है दोस्तों, इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। अब दोस्तों, इंटरनेट क्या है कि ग्लोबल नेटवर्क है, और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को इन्होंने कनेक्ट कर रखा है। जैसे कि दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में लैन, मैन और वैन पढ़ा था, तो उसमें क्या है कि कनेक्ट करता है, नेटवर्क्स बनाते हैं। तो इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, जो मोर देन 100 कंट्रीज से लिंक है। अब दोस्तों, ये 100 कंट्रीज को देखो जोड़ के रखा है, और 100 कंट्रीज में आपके एक्सचेंज करता है डेटा को, न्यूज़ को, और भी ओपिनियंस है। तो दोस्तों, इंटरनेट समझो बहुत ही बड़ा एक जाल है, जो क्या करता है, कंप्यूटर्स को जोड़ के रखता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका आता है दोस्तों, आपके हिस्ट्रीज के बारे में। अब इंटरनेट की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1960 में दोस्तों अर्पानेट आया था, आपके एडवांस स्टेट, जो एडवांस स्टेट है आपका डिफेंस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि आपका अमेरिका जो है, उसमें जो डिफेंस में यूज़ किया था अर्पानेट, उन्होंने यूज़ किया था सबसे पहले। फिर दोस्तों 1980s में जब डेस्कटॉप कंप्यूटर आए, तो लैन भी आया उसके साथ, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो ये अमेरिका वालों ने जो अर्पानेट है, इन्होंने इनको जोड़ के और कई दूर, यानी कि जो हमारा लैन था वो एक बिल्डिंग या दो बिल्डिंग या फिर थोड़े से दूर तक था, तो इन्होंने इनका यूज़ करके डिफेंस में यूज़ किया। लेकिन जो हमारा NSF है, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, उन्होंने क्या किया, 5 कंप्यूटिंग सेंटर्स का क्रिएट किया, 5 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटिंग सेंटर बनाए 1986 में, जिन्होंने बहुत ही हेल्प किया। 5 जब सेंटर बन गए कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग के, तो उन्होंने क्या किया, नेटवर्किंग में बहुत मदद की, और
जो बैकबोन बन गई, यानी कि रीढ़ की हड्डी बन गई, समझो। आप रीढ़ की हड्डी जो है दोस्तों, वो सीधा खड़ा होने के लिए आपको चाहिए चाहिए, उसके बिना आप सीधा खड़ा नहीं हो सकते। तो समझो कितना बड़ा काम किया इन्होंने 1986 में। फिर जो दोस्तों 1991 आया, वो क्या था, इंटरनेट के लिए बहुत ही बड़ा ईयर था। उसमें क्या किया दोस्तों इन्होंने, नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क जो था NREN ने, वो क्या क्या दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW को रिलीज कर दिया। अब दोस्तों जब WWW रिलीज हो गया, तो उन्होंने कई कंट्रीज को जोड़ दिया, कई नेटवर्क्स को जोड़ दिया, लैन वैन और वैन, इन सारे नेटवर्क्स को इन्होंने जोड़ दिया। तो ये जो हमारा 1991 था, वो बिग ईयर था। और इसके बाद जो है, सभी बंदों को, आम बंदों को भी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मिलने लग गई। तो ये था दोस्तों इसके हिस्ट्री के बारे में। फिर यहाँ पे दोस्तों शुरू मैं दोस्तों बीच बीच में आपको फुल फॉर्म भी बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे URL जो है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फुल फॉर्म दोस्तों याद रखना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, वो आपका इंटरनेट सर्वर एंड सर्च इंजन। तो इंटरनेट सर्वर क्या है दोस्तों, सर्वर का काम होता है सर्व करने का, यानी कि अगर कोई भी चीज़ आप मंगाते हो, तो वो सर्व करता है आपके सामने। तो सर्वर का काम तो यह है, सर्वर। अब कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहता है, सर्वर इज अ सिस्टम। अब सॉफ्टवेयर एंड सुटेबल कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको सुटेबल करता है, और दैट रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट। अब दोस्तों जो सर्वर है, उसका काम क्या है, सर्व करने का। तो जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनका रिस्पॉन्स करता है। जैसे हम मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू सम इमेज ऑफ एनिमल्स, तो वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, हमें इमेज दिखाएगा एनिमल्स के, तो ये रिस्पॉन्स देगा। एज अ कंप्यूटर नेटवर्क टू प्रोवाइड, और एज अ कंप्यूटर नेटवर्क में दोस्तों ये प्रोवाइड करता है, और हेल्प प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज। तो दोस्तों ये सारे के सारे सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाता है। अब दोस्तों ये अगर हम यहाँ पे जो सर्वर्स की बात करें, तो बहुत सारे सर्वर्स होता है। अगर दोस्तों हम एक सर्वर में सारा का सारा काम करें, तो वो हैंग कर जाएगा। इसके लिए दोस्तों इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सर्वर्स बनाए, जैसे एप्लीकेशन सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, गेम सर्वर, वेब सर्वर। तो बहुत सारे सर्वर बना दिए, कि सबका काम डिफाइन कर दिया कि आपका काम ये है। कम्युनिकेशन सर्वर का काम है कि आप बातचीत से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे। तो यहाँ पे सर्वर का काम जो है, वो आपके डिवाइड कर दिए गए। तो और भी सर्वर, जैसे साउंड सर्वर हो गया, तो वो सारे सर्वर आपके काम आते हैं साउंडिंग के लिए। नेक्स्ट जो आता है आपका सर्च इंजन। अब क्या है, अब वेब सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। अब दोस्तों जो हमारा वेब सर्च इंजन जो है, उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब पे अगर हम कुछ कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वो हमें लाके दे देता है थ्रू अ HTTP यानी कि प्रोटोकॉल के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। अब दोस्तों कई यहाँ पे देख सकते हो, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जो सर्च इंजन से, जैसे आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, डक डक गो हो गया, यानी कि दोस्तों जो सर्च इंजन्स होते हैं, वहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं, तो ये हमें लाके दे देता है। जो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो आते हैं आपके, वो है आपकी ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग एंड क्लाउड स्टोरेज। तो दोस्तों यहाँ पे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब में दोस्तों आपको ईमेल पे आईडी बनाना सिखाया जाएगा, जो आपको आता ही है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या दोस्तों, वीडियो कॉलिंग करना सिखाया जाएगा, कि वीडियो कॉलिंग कैसे की जाती है, तो वो सब तो आप जानते ही हो। फिर सोशल नेटवर्किंग साइट। अब दोस्तों यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट में, जैसे आपके सोशल फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, तो इन सब चीज़ों पे आपके आईडी बनाना सिखाया जाएगा, कि आप आईडी कैसे बनाते हो, या फिर इसको कैसे यूज़ करना है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी, जो आप बेहद अच्छी तरह से जानते हो। क्लाउड स्टोरेज। अब दोस्तों क्लाउड स्टोरेज का मीन्स होता है आपका ऑनलाइन स्टोरेज। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं, तो वो आप क्लाउड स्टोरेज में करते हो। अब जैसे दोस्तों आपका एक फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको एक ड्राइव मिलता है। अब ड्राइव जो मिलता है दोस्तों, वो आपका क्या यूज़ करता है ड्राइव, अब यहाँ पे आप ऑनलाइन स्टोरेज कर सकते हो। अगर आप एक ईमेल आईडी से इसमें लॉगिन करते हो, तो आपको 15 GB जो है वो मिल जाता है आपको स्टोरिंग के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है आपका क्लाउड स्टोरेज। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको नई वीडियोस मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।